वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको साइंस के मॉडल सेट के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट के डोज में आज देखेंगे हम किस में है कितना दम। आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप कितने सही कर पाते हैं इस वीडियो में आपका आकलन हो जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। मॉडल पेपर शुरुआत हो चुका है और इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। जिनका भी कमेंट में बी है, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बी होगा, 2, है ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, जिनका भी कमेंट में 2 है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नंबर 3 देखिए क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। नंबर 4 क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ना, निकट का साफ नहीं दिख रहा है, यानी दूर का दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं, यानी दूरदृष्टि दोष है इसमें। 4 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ओके। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में, आप लोग समझ चुके होंगे मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है ना। इसका सही जवाब आपका सी होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। सी जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा सी, रेटिना पर, ठीक है ना, रेटिना पर बनाता है। जिनका भी कमेंट में सी है, बिल्कुल सही जवाब, ओके। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए आपका, कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए हो जाएगा, बहुत अधिक, है ना। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। 7 का ए बिल्कुल सही जवाब है, ओके। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है R बराबर V बटा I, है ना। तो V का जो मान है आपका 220 है और I का जो मान है 2 है, 2 से कटाएंगे आप तो 110 बार में कट जाएगा और बिल्कुल आपका सही जवाब B हो जाएगा। 8 का B जिनका भी कमेंट में है, बिल्कुल 100% राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, 9th है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और देखिए इसका समांतर क्रम में जुड़ने पर इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, NR, ठीक है ना। तो 9 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर, ठीक है। 10 देखिए आपका क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता यानी कि स्ट्रांगता का एसआई मात्रक क्या है। एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है, जूल है। तो देखिए विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जिनका भी कमेंट में ए है, बिल्कुल सही जवाब है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए आपका हो जाएगा, अमीटर। धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहते हैं, ओके। 12 नंबर आपका प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। जिनका भी कमेंट में सी है, बिल्कुल राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होना चाहिए ना, आपका बिल्कुल ए राइट आंसर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब, देखिए बायोगैस में नाभिकीय ऊर्जा का कोई काम ही नहीं होता है, इसलिए 14 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। 15 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। बहुत मस्त प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य हो जाएगा।
सी राइट आंसर है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हट गया है, और ऑक्सीजन का हटना जो है अपचयन कहलाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नहीं, इससे अच्छा क्या है आपका ना, 16 में देखिए है ना, थोड़ा सा आप लोग अपचयन जिनका भी कमेंट में, जिसको इसका एक और नाम है अवकरण भी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनता है उसको हम वैद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है, 17 का बी राइट आंसर है, ओके ना, बी इज राइट आंसर। 18 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम जिसको हम Na कहते हैं, और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, NaHCO3 बेकिंग पाउडर का सूत्र है ना, और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब, ओके। 20 नंबर देखिए, लास्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों जो है ना आपस में एक समान है, ये तीनों एक समान है, विजातीय का मतलब अलग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको 20 प्रश्न पूछा, इसमें कितने सही है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे, और मैं चलते चलाते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम होता तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे कि क्लोरीन की, क्लोरीन है ना, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या बताना है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जाइए और कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को है ना लाइक कर देंगे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स, धन्यवाद।